वेलकम बैक माई चैनल, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं माई यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का जी ब्लॉग है मेरा वैनिटी टूर, ब्लॉग नहीं है, सिर्फ वैनिटी टूर दूंगी मैं आपको। तो सिंपल सा है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। आप मुझे आप कमेंट्स में ये मत कीजिएगा कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें सही हैं, तो जज नहीं करते। मेरे हिसाब से जितना मुझे चाहिए ये इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको मैं शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ अपना वैनिटी टूर। तो चलें जी करते हैं जी स्टार्ट। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जी, मैंने ये बनाया है DIY बो, क्या कहते हैं इसे यार, नाम ही जेन से निकल गया है, वॉल हैंगिंग। तो ये मैंने बनाया था, ये जी सिंपल सा मैंने बनाया है। ये जो होता नहीं है, कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखा देती हूँ। ये धागा होता है ना सूती, जैसे पे रज़ाइयाँ उनते हैं, ये वो वाला धागा है। तो ये है जी केक का गत्ता है, और उसके बाद ही सारे जितने भी मेरी बच्चों के, मेरी बेटियों के जितने भी बो पिंस वगैरह, तो वो सारी मैंने यहाँ पर हैंग कर दी हैं। और कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखें फुल, और जब ये रात होती है ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने बनाया था, और कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा लग रहा है आपको। इसमें आप कुछ भी शेप बना सकते हैं, मैंने मून की बनाई है, आप क्लाउड्स बना सकते हैं, यूनिकॉर्न बना सकते हैं, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है, इतना परफेक्ट लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये मेरे मतलब के हिसाब से ठीक था और ईजी था, मैंने ये बनाया, फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो अच्छा बन गया। तो ये जी है, उसके बाद इसकी लाइट ऑफ कर देते हैं। कुछ ऐसा ये दिखता है। उसके बाद जी आते हैं जी अपना जो ड्रेसिंग, जिसे वैनिटी बोलते हैं आजकल की लड़कियां और आजकल के लोग। तो ये ड्रेसिंग है मतलब मेरा और मेरे शादी का ही है, और जितना भी सामान है ना, ये मतलब उसमें से आधा जो चीज़ें ना वो अंदर से गायब हो जाती हैं। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, और कुछ चीज़ें वो अंदर ऐड भी कर देती हैं, ये नहीं कि सिर्फ ख़राब ही करती हैं। तो उनको मैंने अलग भी दिया हुआ है कि आपका ये ही मामा की चीज़ें, आपको इसमें नहीं छेड़ना। इसके ऊपर मैंने ना हल्की हल्की लाइट्स लगाई हुई, जब मैं लाइट ऑफ करूँगी ना तब आपको ये नज़र आएंगी। ये फेरी लाइट्स होती हैं, ये लगाई हुई हैं, और गार्डन्स के ऊपर दूसरी लगाई हुई है। शौक है मुझे ना डेकोरेशन में लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, हर जगह मैं लाइट को घुसा दूँगी, मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये आते हैं जी अपने ये ऊपर वाले, इसके अंदर ना 4 ड्रॉज हैं, मतलब 1, 2, 3 और 1, 4, उसका बड़ा मिरर लगा हुआ है एक साइड पर, जिसमें आप फुल आप देख सकते हैं अपने आप को। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ऊपर है जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इतनी चीज़ें दिखाऊंगी, अब देखते जाएं, मतलब नज़र तो आपको आ ही रही है, बहुत ही कम चीज़ें हैं, और ये नहीं कि सारी ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है, लोकल एरिया से भी ली हुई हैं, कुछ लोकल भी हैं, सस्ती भी हैं, जो मुझे सूट करती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, और जितना मुझे मेकअप चाहिए बस उतना ही है, इससे अलावा नहीं है, फजूल नहीं है मेरे पास। कि ये होता है ना लड़कियों के शौक़ में, 3, 3, 4, 4, 5, 5 आईलैशेस या आई शेडो पैलेट रख लेती हैं, इतना कुछ रहती है, मेरे पास इतनी कलेक्शन है ही नहीं है। तो मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ सिंपल सिंपल चीज़ें। ये जी ऑयल की बोतल है जी, मैं खुद बनाया है, और ये है जी कीवी का फर्नीचर स्प्रे, और ये रोज़ वाटर, ये है जी मेरी बेटियों का और मेरा नेक्स्ट टोन का सन ब्लॉक, और ये है एक लोकल सी परफ्यूम, और ये है जी क्या है, ये रूम फ्रेशनर है, ये एयर फ्रेशनर, और उसके बाद ये है जी बालों की स्प्रे, और ये एक पाउडर है ख़त्म होने वाला है, और ये मेरे हस्बैंड की परफ्यूम्स हैं, वो परफ्यूम सॉरी बोल रही हूँ, बॉडी स्प्रे हैं।
एक ये और एक ये, उसके बाद ये एक है जी, एक क्या है बेस है, और एक ये है सीसी क्रीम है, ये मैं यूज़ करती हूँ कहीं मतलब जाना हो तो फ़ौरन लगा लेती हूँ, ये वो अच्छी है, मेरे सूट की थी। उसके बाद है जी ये लिमोन का हेयर सीरम, और ये है जी, एक बार मैं दराज से मंगाया था, मुझे कुछ समझ नहीं लगी इसका क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, कुछ भी मेरे स्किन पे नहीं हुआ। और जो ये वाला है, ये वाला जी मुझे इंस्टाग्राम पे पेज पे इसमें आया था, तो ये इसका भी कोई मुझे रिजल्ट नहीं शो सही ना फील नहीं हुआ, सही शो नहीं हुआ। तो एक ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैंने लिपस्टिक रखी हुई है, मस्कारा रखा हुआ है, और लिपस्टिक मेरे पास सिर्फ यही है, जितनी नज़र आ रही है 5-6 यही है, लिप टिंट है, मैं लिप टिंट यूज़ करती हूँ, और ये मस्कारा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मस्कारा मेरे इंतहा के रखे हुए हैं, और ये एक आईलाइनर है मिस रोज का ही है, और उसके बाद ये एक लिपस्टिक है, लिप ग्लोज है, बस यही मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसके अंदर एक रिंग पड़ी हुई है, और आ जाते हैं जी, ये है जी ब्रशेस, जिसमें से बहुत ही कम, एक दो मैं यूज़ करती हूँ, आई शर्ट वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बल्कि ना होने के बराबर यूज़, मैं यूज़ ही नहीं करती। तो ये सिर्फ ब्रशेस हैं, आपको नज़र आ रहे हो, कुछ मैंने यूज़ किए हैं, कुछ मैंने नहीं यूज़ किए, बैठ ही जाऊँ। तो ये है जी, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें जो काफ़ी ब्रश है ना बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने यूज़ ही नहीं किया, और ये ना मुझे ना एक मैंने दराज से मंगवाया था, और इतने छोटे छोटे निकले, ट्रैवल जैसे ट्रैवल साइज़ के होते हैं ये वो वाले हैं। तो मैंने फिर दो, एक इंस्टाग्राम के पेज पर मैंने मेकअप मंगवाया था, एक वहाँ से थे, और एक ये मैंने दरवाजे मंगवाए थे। तो ये देखें इतना साइज़ है, क्यूट है, मतलब आपको जाना हो तो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी सारे ब्रशेज़ यही हैं मेरे पास, और कुछ भी नहीं है, इतने ब्रशेज़ की मेरी कुछ भी नहीं है, और इसमें अंदर ना लिप लाइनर भी है जो मेरे लिप्स के हैं, और काजल पेंसिल भी है। इसके नीचे जी एक ज्वेलरी बॉक्स है, और ये वैसे डेकोरेशन के लिए रखी हुई है, तोड़ दी हुई ग्लासेस। तो इसके अंदर वो ज्वेलरी है जो मैं मतलब कहीं जाना हो ना फ़ौरन मैं पहनती हूँ, फ़ौरन मुझे ना निकालनी ना पड़े, सिर्फ वो वाली ज्वेलरी है, बाकी सारी ज्वेलरी मैंने अंदर रखी हुई है। तो इसके अंदर जो है ये है, मुझे ना बिल्कुल सिंपल जो होती है ना चेने पसंद है, मतलब मुझे हैवी नहीं पसंद। ये एयरकफ है, तो इस तरह मैं फोल्डर्स बना बना के रखे हुए हैं। ये है जी ब्रेसलेट, ये एक वॉच है, इसमें काफ़ी रिंग्स भी हैं, और ये रिंग्स भी, ये वाली रिंग्स भी, ये भी रिंग्स हैं, इसे ब्लैक नहीं होती ज्वेलरी। और क्या क्या पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल रखते हैं, तो ये डिटेल में कभी फिर दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे तो, अभी फ़िलहाल ऐसे रख लेते हैं, इसने बंद नहीं होना, तो वैसे रख लेते हैं। साथ टिश्यू पेपर है, और साथ ही मेरी बेटी ने रख दिया अपना ये पेन होल्डर। और ये रही जी मैं आपकी जो है आपी। तो उसके बाद जी हम लोग फर्स्ट जो है इसका रैक है, ड्रॉ है, बहुत बड़े बड़े इसके ड्रॉ हैं, तीन ड्रॉ बहुत बड़े बड़े हैं, डीप हैं और हैवी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान इसके अंदर आ जाता है। और ऊपर वाले ड्रॉ में मैंने वही चीज़ें रखी हुई हैं कि जो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बहुत कम चाहिए होती हैं, और ज़्यादा मतलब के मतलब नॉर्मली चीज़ें रखी होती हैं, जैसे बच्चे पकड़ भी लें तो खैर है। तो ये पोनी है, स्क्रंची वगैरह है, रबर बैंड, छोटे छोटे कैचर हैं, और साथ ये आइज़ के लिए जो लेंस का होता है कंफर्ट का रखा हुआ है मैंने डेवलपर, और साथ कुछ मेरी जो स्किन केयर ब्लीच है वो मैं उसकी यूज़ करती हूँ क्यूने की ही। और ये जो मैंने ये खुद ही बनाया हुआ है, ये नेल के लिए बनाया है, जब नेल पॉलिश साफ़ करनी होती है उसके लिए मैंने बना के रखे हुए हैं। तो ये जी मेडोरा का ही मैं नेल पेंट कह रही हूँ, नेल रिमूवर यूज़ करती हूँ, बहुत 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 अच्छा है। उसके बाद ये सारी नेल पेंट है, और ये नेल पेंट जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ यही वाला नेल पेंट है, और ये सारी नेल पेंट मैंने लोकल मार्केट से ली हुई हैं, कोई भी इंपोर्टेड नहीं है। और साथ वो ग्लू है, ग्लू पड़ी हुई है नेल्स जब मैं लगाती हूँ फेक नेल्स, वो उसके लिए पड़ी हुई है। तो हेयर कॉम्ब्स पड़े हुए हैं, और ये हुरैन यहाँ रख दिया हुआ है, इसे इग्नोर कीजिएगा, बच्चे चीज़ें ऐड करते रहते हैं, उनको मतलब मैं टोकती वगैरह नहीं, लेकिन उन चीज़ें इनसे निकाल देती हूँ। उसके बाद ये जी है मेरे बालों का शॉपर, जो मेरे बाल उतरते हैं ना कॉम्ब करते हुए, मैं शॉपर में जमा करती हूँ, पहले इस मैंने बॉक्स में रखा हुआ था, बॉक्स और रहने वाली कहाँ घुमा दिया है, तो उसके बाद मैं शॉपर में जमा करती हूँ, मेरी काफ़ी देर से ज़्यादा था, मैं फेंकती नहीं हूँ। आप लोग बताएँ कमेंट्स में कि आप लोग अपने बालों को फेंक देते हैं कि मतलब रख लेते हैं संभाल के।
तो फिर आ जाते हैं जी सेकंड रो की तरफ। इसमें है जी एक ब्यूटी बॉक्स और तीन है ज्वेलरी बॉक्स और एक है जी मेकअप पाउच, जिसको मैं मतलब रखा हुआ है कि एवरी डे या फिर कहीं भी जाना हो तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और ये जी ग्लासेस हैं मेरी, कुछ मेरे बच्चों की, कुछ वॉचेस हैं मेरे बच्चों की, ये वाइप्स मेकअप के लिए रखे हुए हैं। और इसके अंदर है क्या है, इसके अंदर दिखा देती हूँ। हाँ, इसके अंदर मेरे लेंसेज हैं सारे, जितने भी हैं ये सारे मैंने लेंस रखे हुए हैं। करीब मेरे पास 5-6 होंगे, बस मैंने और नहीं लिए हुए, बस यही है। इसके अंदर लिपस्टिक्स हैं सारी, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर सारे जो नेल्स हैं, फेक नेल्स, मुझे नेल्स का बहुत ज़्यादा ना शौक है तो मैंने फेक नेल्स रखे हुए हैं। ये सारे फेक नेल्स हैं, ये वाले। अब ये नहीं, सारे इंपोर्टेड भी हैं। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला 50 वाला है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है। ये बहुत अच्छे रहते हैं, ये मैंने यूज़ किए हैं वन टाइम, तो मैंने इसमें रखे हुए हैं। बस ये नेल्स हैं मेरे पास। और इसके नीचे बड़ा हुआ है एक एक्स्ट्रा पाउच और मेहंदी का। अब इनको मैं दिखाती हूँ ओपन करके आपको वन बाय वन। इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मैं ऊपर रख लेती हूँ निकाल के। जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ या फिर मैंने यूज़ ही नहीं की अपनी लाइफ में, ये वो चीज़ें हैं। तो मैं अब ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है जी फिट मी की एक पेस्ट पड़ी हुई है, ये कंसीलर पड़ा हुआ है, कंसीलर और कंटोरिंग वाला। इसके बाद है ये मैं यूज़ करती हूँ, ये परफ्यूम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये वाली परफ्यूम की बात करती थी, ये बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस इतनी कमाल की है ना, बहुत ही मीठी और बहुत ही हसीन तरीन है। ये काफ़ी देर से यूज़ करती रही हूँ, मुझे ये हाफ़ हो गई है, मुझे काफ़ी ये पसंद है। ये लक वालों की है तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये वाली। तो ये रखते हैं यहाँ पे। और एक ये वाली है पॉकेट वाली, ये वाला भी यूज़ करती हूँ। और ये देखें अभी बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, मैं इसे यूज़ ही नहीं करती क्योंकि मैं ना ब्रश यूज़ करती हूँ। ब्रश अभी दिखाती हूँ, बेस वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, अंदर पड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ सारी न्यू हुई हैं। और ये वाला जो है ये क्या है, ये मैंने ना इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाई थी चीज़ें, जो कि मतलब दो नंबर चीज़ें दी थी उन्होंने, कॉपी दी थी, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती बहुत कम। ये हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर है, ये हुदा ब्यूटी का मतलब 3-in-1 मस्कारा लाइनर और आईब्रो पेंसिल। ये है जी ब्रशों, उसके बाद ये ब्रशेज़ हैं, ये आई शेड्स हैं हुदा ब्यूटी के, तो दिखा देती हूँ। तो ये है जी आई शेड, एक ये वाली देखे मैंने यूज़ ही नहीं की हुई, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। ये वाली ये है एक धमाकेदार, मतलब इसमें शेड बहुत ज़्यादा ना डार्क डार्क है, मुझे पसंद नहीं है आई शेड लगाना, तो मैं नहीं लगाती है। ये सारे शेड ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब मैं यूज़ ही नहीं करती, सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ उसके अंदर जो ये ब्राउन कलर है ना, अपनी आईब्रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। ये वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तो ये मैंने खुद भी नहीं ली हुई, ये मेरी ना मतलब उसमें है ब्यूटी बॉक्स में शादी की थी जो हेज़ के अंदर ही। तो ये अब मैं बाद में सेट करूँगी उस, इसको तो मैं बाद में सेट करती हूँ क्योंकि ये अब ना मतलब हो गया, वैसा सेट करने का टाइम लगेगा। तो उसके बाद जी है वो एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर भी मेरी सारी ज्वेलरी है, जितने भी मेरी इयर रिंग्स हैं जितने भी मैं इयर रिंग यूज़ करती हूँ सारे ये पड़े हुए हैं। तो जितने भी मैं यूज़ करती हूँ सारे इसमें रखे हुए हैं, और मैंने इसी तरह पैक करके रखे हुए हैं ताकि जी ब्लैक ना हो। ये देखें ये सारे इयर रिंग्स हैं, और इस वाले बॉक्स के अंदर है सारी मेरी मतलब के बैंगल्स हैं, सिर्फ दो ही पड़ी हुई हैं, दो हैं और एक मेरी वॉच है बस, इसके अंदर बस यही सामान है।
तो इस छोटे वाले बॉक्स में है जी वो जो मेरी पिंस होती है ना, हजाब पिंस, वो है। ये मैंने ऊपर ही रखा होता है लेकिन मेरे बच्चों के लिए अंदर रखा है क्योंकि वो खोल के बैठते हैं, पिन उनके लिए सही नहीं है, अब वो ओपन नहीं होगा। ये है, इसमें हजाब पिंस है, नज़र नहीं आ रहा होगा। ये तो ये भी यहाँ रख देते हैं। अब जी बारी है इस पाउच की, इस पाउच के अंदर क्या है, कहीं जाना भी हो ना तो मैं यही वाला पाउच उठाती हूँ, ले जाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा सारा ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है। अब इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये सारा सामान मैं यूज़ करती हूँ, मेरे मतलब कि यही वाली मैं मिस रोज़ की स्टिक यूज़ करती हूँ, बेस सॉरी, और यही कंसीलर, ये जी प्राइमर, ये आईलैशेस ग्लू, उसके बाद ये फिर कंसीलर आ गया, मतलब सारी चीज़ें यही वाली मैं यूज़ करती हूँ, तो ये इसलिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये है जी लोरियल का मैट बेबी, ये वो वाला है कॉम्पैक्ट पाउडर, बस यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। इसके नीचे भी पड़ा हुआ है ये वाली जी, पता नहीं कब की पड़ी हुई है मेरे पास, एक ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ, ये टूट गई हुई है, एक ये वाली, और ये मैं ऐसे यूज़ करती हूँ ब्लशों के लिए, और ये है जी हाइलाइटर वाला हुलजा, ये है जी हाइलाइटर, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें, तो ये वाला जी मैं यूज़ करती हूँ, गिर गया नीचे वो। और उसकी फ्रंट जो पॉकेट है उसके अंदर एक जी पैड है, और साथ हेयर पिंस हैं और सेफ्टी पिंस है, सारा कुछ ये पड़ा हुआ है ताकि जी मुझे जब ज़रूरत हो मैं इसको उठाऊं और अपने बैग में रखूं, ले जाऊं, बस यही चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को समेटना भी है बाद में, मैंने ये जो सारा पोर्शन आपको मैंने दिखा दिया, अब इसको रखते हैं सारे सामान को, फिर मैं दूसरा तीसरा पोर्शन खोलती हूँ। ये दो पोर्शन तो मैंने आपको दिखा दिए, अब थर्ड वाला पोर्शन लास्ट रह गया, और एक वो वाला दिखाऊंगी नहीं, वो लॉक है, उसमें मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, वो ही सब कुछ है, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी और मैंने दिखाना भी नहीं है। उसमें मेरी सारी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ जाएँ, बस वो नहीं चीज़ मैं ओपन करूँगी। तो ये लास्ट वाला दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली मेरे बच्चों का है और मतलब मेरा मतलब नॉर्मली है, इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है इसमें कुछ। ये तीन बैग बनाए हुए हैं, पहले इनको मैं खोल लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। चलें जी, इसको मैंने जी खोल ही ओपन कर दिया, ये जी सारा मेरा है, इसके अंदर मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये तो कुछ नीचे बहुत है ना, तो झुकना पड़ता है बहुत ज़्यादा। स्क्रंचीज़ हैं, कैचर्स हैं, हेयर कैचर्स हैं, बस यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाली देखें जी, ये हेयर कैचर मेरे पड़े हुए हैं, जितने भी मेरे हेयर कैचर हैं इसके अंदर ही हैं, इस पाउच के अंदर ही हैं, जितने भी मैं यूज़ करती हूँ वो सारे इसके अंदर ही हैं, तो कहीं आना जाना हो इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। और जितने भी स्क्रंची हैं, स्क्रंची ये देखें मैंने अपनी ना घर में खुद ही बनाई है, बहुत ही ईजी है। सिल्क का कपड़ा लें या रेशमी कपड़ा लें, आप उसमें लास्ट के डाल लें और बना लें। ये मैंने काफ़ी बना के रखी हुई है और यूज़ भी यही वाले करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। आपको मैं दिखाती हूँ शॉपर में, ये तो देखें, ये बो वाली मतलब ये तो बाज़ार से ली है, मार्केट से ली है, ये देखें ये भी मैंने बनाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ सारी निकाल के। इतनी ज़्यादा बनवाई हुई थी और कुछ मैंने दूसरों लोगों को भी दे दी, अपनी बहनों को भी दे दी, अपनी अम्मी को भी दे दी, बहुत ज़्यादा मैंने बनाई थी। कपड़े पड़े हुए थे सूटों में बच जाते हैं, तो ये सारी मैंने बना ली और काफ़ी अच्छी लगती हैं बालों पे, और रीज़नेबल भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये ईजी से बन जाती हैं। तो ये जी मैंने बनवाई हुई हैं ये पौनियाँ, और ये हेयर कैचर का पोर्शन था, और ये पौनियाँ हो गई स्क्रंचीज। अब इनको रखते हैं, और इस येलो वाले में है जी सारे मेरी बच्चों के मतलब मेरी बेटियों के हेयर पिंस हैं सारे, वही यूज़ करती हैं, तो वो उसमें रखे हुए हैं जितने भी हैं, कुछ मैंने बो पे लगाए हुए हैं, कुछ ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, पिंस वगैरह, ये एक्चुअली है भी उनका, ये सारे इनके बो और एयर बैंड हैं। और ये वाला जो है इसमें सारे इनके नेकलेस, उनकी बैंगल्स, मतलब ईच एंड एवरी थिंग, की वॉचेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है मैंने,
वो जी एक्स्ट्रा खाली है, ये भी खाली बॉक्स पड़ा हुआ है। ये मेरी वैक्स है, ये मैं वैक्स यूज़ करती हूँ, उसमें वैक्स की जो पट्टियाँ होती हैं ना वो पड़ी हुई हैं। और ये स्ट्रेटनर और कलर मैंने रिमेंटन का ही लिया हुआ है, ये वाला, सॉरी ये वाला जी। और ये ही बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे बालों के लिए, मेरे बाल के ज़्यादा ठीक नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है इसके अंदर ही है। तो स्ट्रेटनर भी और कर्लर भी दोनों दोनों जी इसमें अंदर ही रखे हुए मैंने एक जगह। ये वाला इसके अंदर जी कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों के स्टाफ टॉय होते हैं यहाँ पे रखे होते हैं अमूमन। और ये बोटल्स मैं यहाँ से उठा देती हूँ, इसके अंदर फेरी लाइट्स हैं, ये रात के अंदर चला देती हूँ, बहुत अच्छी रहती हैं, इसमें सेल ख़त्म हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं, ये बोतल्स जो होती नहीं है जूस वाली वो वाली हैं, तो जो स्टफ्ड हुआ है ना फिलहाल ये पड़े हुए। तो ये इनके यहाँ पे डेढ़ लगा होता है सारा, माशाल्लाह बच्चों से ही रौनक होती है। तो ये था जी मेरा सारा फुल वैनिटी टूर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की हैं, इसमें कोई ब्रांडेड नहीं है, कोई इतनी मतलब कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, जितनी भी हैं आपको मैं साथ शेयर की हैं, तो बस यही था मेरे पास सामान। और काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपना वैनिटी टूर दें, मैं इसलिए रुकी हुई थी, मैंने ना इसके लिए मतलब कुछ चीज़ें मंगवाई थी दराज से ऑनलाइन, तो मैंने कहा ये मंगवा लूँ फिर उसके बाद ये वैनिटी टूर दूँगी। तो लेकिन मैंने कहा चलो जब तक नहीं आता ना ऐसे ही दे देते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। और अगर आपको रूम का टूर चाहिए या हाउस टूर चाहिए वो भी आपको दूंगी, अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो, वरना नहीं होम टूर तो मैं भी ना दूँ, बट मैं जो रूम टूर दे सकती हूँ, क्योंकि जी जो होम टूर उसमें कुछ मैंने अपडेट्स करनी है उसके बाद ही दूँगी। चले जी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और मैंने सब कुछ कंप्लीट ओवर दे दिया अपना वैनिटी का। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।